Welcome back to Live Wire Transmission. I am your host, Tarique and Javed. Now it's time to discuss agriculture problems. नाज़रीन, आपने पिछले दिनों देखा कि सिंध के जो काश्तकार हैं वो बिलावल हाउस जाने के लिए पहुँचे बोर्ड बेसिन की तरफ, वहाँ उनको बहुत मारा गया। अभी उन्होंने फिर ऐलान किया कि 24 तारीख को फिर आएंगे, इस दफ़ा देखेंगे क्या होता है। और पंजाब में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो शुगर इज़ दी इशू विच इज़ बर्निंग इशू एट द मोमेंट, और उस पर बात करने के लिए हमने महफूज उर्सानी साहब को दावत दी है, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध आबादगार बोर्ड के, ए लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिंध, जो जो आम किसान हैं उनके इंटरेस्ट को ये प्रेजेंट करते हैं, और जाहिर है इंडस्ट्री वगैरह के बारे में इनकी बड़ी नॉलेज है। सब अब तो बात रोडों पे आ गई, गोलियों पे आ गई, मामला तो ख़राब होते चले जा रहे हैं साहब। जी बिल्कुल तारिक साहब, मामलात ख़राब हो रहे हैं, मगर हुकूमत जो है वो न फेडरल गवर्नमेंट न प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनके पास कोई हल ही नहीं है मसले को टैकल करने के लिए। और कल जो है वो, जैसे आपने मजा फरमाया कि रहीमा खान में जो है वो गोलियां भी चली और वहाँ पे काश्तकार एहतजाज कर रहे थे, और सिंध में भी जो है वो सरापा एहतजाज हैं सारे काश्तकार, और रोडों पे धरने दिए जा रहे हैं, रोड ब्लॉक किए जा रहे हैं। पंजाब में भी कल ट्रेन ब्लॉक होगी, और 23 तारीख को हमारा भी जो है वो कॉल है सारे समाजी और सियासी जितने अच्छा, भी पार्टी समाजी और सियासी लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बात यह है कि देखिए ना, ये एक बहुत बड़ा तबका है जिस पे ये असरानंदाज हो रहा है, जिसकी मुआशियत पे ये चीज़ असरानंदाज हो रही है। लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी वाबस्तगी एग्रीकल्चर से है, और गन्ना जो है वो तकरीबन कोई 50 करोड़ मन गन्ना सिर्फ सिंध में मौजूद है। तो उस पे हम जो है वो कोई सिंध गवर्नमेंट ने कोई 1-1.5 महीना लेट करके शुगर मिल चलाने का नोटिफिकेशन निकाला, और 182 रुपये का नोटिफिकेशन। सर नॉर्मली कब शुरू होता है आपका कटने का सीज़न? देखिए जी, केन एक्ट में तो 15 अक्टूबर लिखा हुआ है, 15 अक्टूबर, एंड नाउ वी हैव क्रॉस 15 दिसंबर, वी गॉट 15 दिसंबर, एंड स्टार्टेड अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से शुरू हो गई थी मिले चलना। मगर हुआ ये है कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में सिंध में मिलों ने जो है वो जो ग्रोअर है उसको उन्होंने परमिट देना बंद कर दिए हैं गन्ने उठाने की, और उन्होंने वो जो इंडेंट्स जिसे कहते हैं वो जो है उन्होंने अपने एजेंट्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लोगों से गन्ना खरीद कर और मिल पहुँचा रहे हैं। अच्छा, डायरेक्टली एक किसान अपने सामान को ट्रॉलर पे रख के नहीं जा सकता शुगर मिल पे? जब तक वहाँ से एक पर्ची नहीं मिलती तब तक उस पर्ची के ब्याह पे, क्योंकि ये एक पूरा प्रोग्राम के तहत मिल जो है वो गन्ना कटवाती है, क्योंकि अगर मिल के पास कैपेसिटी इतनी ना हो कि वो सारा गन्ना क्रश कर, बहुत सारा गन्ना अगर वहाँ पहुँच जाता है तो वो गन्ना खड़ा रहता है और वो ट्रालियों में 2-2 दिन 3-3 दिन, तो इससे दोनों पार्टीज़ को नुकसान होता है, शुगर भी कम निकलती है और केन भी जो है उसका वज़न कम हो जाता है। तो कोशिश यही होती है कि 24-48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो गन्ना क्रश, केन मैनेजमेंट जो कहते हैं जी, केन मैनेजर्स होते हैं, फील्ड स्टाफ होते हैं, ये सारे जो है वो जो फार्मर होता है उसका कोलिशन होता है। तो अब ये है कि अगर आपको पर्ची नहीं मिलेगी तो आप गन्ना नहीं ले जा सकते, तो वो डिनाई कर रहे हैं, और क्योंकि वजह ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जी हमें शुगर जो है वो वारा नहीं खा रही, और 45 रुपये हमारी एक्स मिल प्राइस है, और हम जो चीनी प्रोड्यूस करेंगे 182 रुपये मन के हिसाब से जो गन्ना खरीद के, तो वो तकरीबन हमें 60-65 रुपये की चीनी पड़ेगी, तो हम 20 रुपये लॉस करके कैसे चीनी बनाएं। तो उसकी वजह से जैसे आपको पता है कि हमने काफ़ी मीटिंगें की, और केन बोर्ड की जो मीटिंग हुई उसमें ये चीज़ जो है वो मुत्तफ़िका तौर पे जो है वो एग्रीमेंट पे आई कि जी 182 रुपीज़ में हम लेंगे और 1 दिसंबर से हम जो है मिले स्टार्ट करेंगे। ये जो रेट आया ये एक मीटिंग हुई, कंसेंसस डेवलप हुआ जी, उसके बाद आया, ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दे दिया, नहीं बिल्कुल। तो उसमें शुगर मिल वाले भी थे मौजूद? शुगर मिल वाले भी मौजूद थे, मगर उनका तो वो कैसे डिनाई कर सकते? उनका ये ख्याल था कि हम गवर्नमेंट से जो है वो सब्सिडी लेंगे एक्सपोर्ट पे भी, जो सरप्लस पड़ी हुई शुगर और जो नई शुगर जो डेवलप होगी या जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे उस पे भी जो है वो गन्ने के रेट के हवाले से, यानी गन्ने की परचेजिंग का जो रेट। एक्सपोर्ट पे कितनी सब्सिडी मिली इनको? इस वक्त जो है वो तकरीबन 20 रुपये किलो उनको सब्सिडी मिल रही है, और वो एक्सपोर्ट जो हो रहा है जो चीनी उस पे मिल रही है,
और इनका ख्याल ये है कि तकरीबन 140 रुपए किलो के मन के हिसाब से ये शुगर केन लेना चाह रहे हैं और ले रहे हैं मार्केट में, और तकरीबन 42 रुपए या 40 रुपए का डिफरेंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है गैप जो है गवर्नमेंट देगी। जो गैप मुझे आखिरी याद है 11 रुपए का सब्सिडी दिया था शाह साहब के दौर में। जी हाँ, 12 रुपए की सब्सिडी दी थी। 12 रुपए की? हाँ जी बिल्कुल, 12 रुपए की सब्सिडी और वो तकरीबन 12 रुपए बनते हैं। इस वक्त ये तकरीबन कोई 27-28 अरब रुपए सिर्फ सिंध गवर्नमेंट से ये इनकी डिमांड है। इस तरीके से तकरीबन कोई 12-13 अरब रुपए जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सारे पाकिस्तान की जो चीनी है उसको, तो लगभग आप अंदाज़ा कर लें कि कोई 40 अरब रुपए की जो है सब्सिडी दरकार है। और इनकी ये कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होती तो गन्ना का 182 का रेट जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। और हम जो है वो गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने जो शुगर केन एक्ट के तहत जो नोटिफिकेशन निकाला है 182 का सिंध में और 180 रुपीज़ का पंजाब में, तो हम यही कह रहे हैं कि आप इसको अश्योर करें क्योंकि ये कंसेंट के साथ आप लोग उसके सहारे दे रहे हो फैक्ट्रियों को कि हम 140 तो वो दे रहा है। बिल्कुल, और आप ये उम्मीद करते हैं कि केन एक्ट के तहत जो भी गैप है दैट विल बी फिल्ड बाय समबडी गवर्नमेंट। देखें जी, जब एक नोटिफिकेशन निकल चुका है तो वो कानूनी तौर पे उस पे बॉन्ड है कि वो उनको 182 देना है। अगर वो एक रकम हमारी रोकते हैं और उस पे हमारी कोई उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हमें कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको इतनी मिलेगी, उससे हम बॉन्ड नहीं। अच्छा, आप अज्यूम ये कर रहे हैं कि मैंने ये किलो गन्ना दिया, मेरा 182 का हक है। बिल्कुल, वो मुझे किस्तों में दे, जैसे भी दे दे। बिल्कुल, है ना। अब देखें ना, मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि यकीनन थोड़ा सूरत हाल सही नहीं है और चीनी की कीमतें कम है। माफ कीजिएगा, सर इंटरनेशनली तो 350 का हो गया चीनी, दुनिया को पता है। अभी आप जाए अली बाबा पे ऑर्डर कर दें फाइन रिफाइन शुगर, ब्राज़ील वाला आपको पहुंचा देगा यहाँ पे पोर्ट पे, FOB 350 का। देखिए लेकिन इशू ये है कि आखिर जो फार्मर है उसकी जो लागत आई हुई है वो उसने ये चीज़ फोर्सी करके तो नहीं दी थी कि उसको इतने लॉस में जो है गन्ना देना पड़ेगा। वो यही समझता है कि शुगर मिल्स जो हैं वो अपनी सही कॉस्ट नहीं बताती, और शुगर मिल्स जो हैं वो अपने एक प्रोडक्ट नहीं, वो कई प्रोडक्ट शुगर केन से निकालती हैं। सिर्फ शुगर शुगर कर रहे होते हैं, मोलासेस का जिक्र नहीं होता, इथेनॉल का जिक्र नहीं होता, या वो जो पावर जनरेशन होता बायोगैस, जी जी, या वो जो गन्ना सूख के जो आखिर में चीज़ें उससे भी बहुत सारे बोर्ड शोर बनते हैं। देखिए ये दोनों चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट को जो है इसको सेटल डाउन करना है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। तो गवर्नमेंट ये देखे कि कितनी इसकी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ शुगर और हमारी कितनी लागत आई और हमें क्या पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि अगर आप 40 रुपए हमें कम देंगे तो हमें 20 अरब रुपए का लॉस होगा। मैं नहीं समझता कि एग्रीकल्चर इस पोजीशन में है या जो फार्मर इस पोजीशन में कोई 20 अरब रुपए का लॉस बर्दाश्त कर सके, लिहाजा उसको कहीं ना कहीं से वो चीज़ें जो है वो पूरी करके देनी। तो सर आज तक गवर्नमेंट ने कभी नहीं निकाला कि इथेनॉल से ये कितना कमा रहे हैं, मोलासेस से कितना कमा रहे हैं, बायोगैस से कितना कमा रहे हैं, बिजली से कितना कमा रहे हैं, किसी ने आज तक, कोई इदारा नहीं है। देखा तो इदारा ही कोई नहीं है ना। असल कोशिशें की गई हैं लेकिन मसला यही है कि इंटरेस्ट किसका क्या है। अब जैसे आपका इदारा है सिंधाबाद घाट, तो एक बड़ा इदारा है, आप लोग किसी भी एक फैक्ट्री को एक सैंपल बना के उसकी जो कॉपरेट करें ये सब चीज़ निकाल सकते हैं। जी हमने निकाला लेकिन वो हमारी चीज़ नहीं मानते। अच्छा, हम तो ये कहते हैं कि वो अब भी जो है वो प्रॉफिट में है और हम अपनी जो केन कॉस्ट हमने जो 210 रुपए मन की निकाली है तो हम तो 210 रुपए मन के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो हम तो और आपके कैलकुलेशन के मुताबिक 210 पे भी वो प्रॉफिटेबल है? 210 पे भी वो प्रॉफिटेबल है। और तो फिर बड़ी ज़्यादती हो रही है साहब, ये सिर्फ शुगर शुगर बोल के बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करके वो कैलकुलेशन करके बैठा देते हैं। देखिए मसला ये है ना कि अब देखिए ब्लैकमेल करके 21 रुपया 20 रुपये उस पर भी एक्सपोर्ट पे भी ले लिया और अब यहाँ भी कह रहे हैं। सारा मसला यही है डॉक्टर साहब, बात यह है कि मिल्स जो हैं वो सियासतदानों की, और वो सियासतदान जो हैं वो गवर्नमेंट में हैं, और वो इस किस्म की अगर सब्सिडीज़ अनाउंस भी होती हैं तो उनको डायरेक्ट वो सब्सिडीज़
जो है उनको मिलेंगी और वो बहुत बड़ा चंक उनका जो है वो एक करप्शन की नज़र हो जाएगा। अब सूरताल यही है कि वो तो ये चाहते हैं कि ऐसी सूरताल हो कि पुअर आदमी जो है, गरीब आदमी, फार्मर जो है इस किस्म की डिमांड करे ताकि हम पब्लिक मनी को बड़े आराम से उसमें से साइफन कर सकें। अच्छा, इधर इनको उठाते हैं कि आप लोग धरना शरना करो, बिल्कुल, ताकि हमें फेवर में भी है, हाँ, गवर्नमेंट को। तो हम तो दोनों तरफ से फंसे, 20 बिलियन इधर 20 बिलियन उधर फेंकने का मौका। देखिए, आप खुद अभी थोड़ी देर पहले जमहूरियत के हवाले से बात कर रहे थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है कल आके एश्योरेंस दिलाई कि इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन बात यह है कि मुझे ये बात बता दें कि आपकी जमहूरियत ने क्या हमें दिया है पिछले 20 साल या 25 साल में, आपने डिलीवर क्या किया? जमहूरियत तो जो है ना गमाल बनी हुई है, यही 65 शुगर मिल वालों की या ये फ्लोर मिल वालों की या दूध वाले की, इन्हीं के पास सारा पैसा है और ये अपनी चीज़ें डबल ट्रिपल कीमत पे बेचते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। देखिए भाई, क्यों इतना महंगा बेच रहे हो? देखिए, बिल्डर है तो वो हुकूमत से मिला हुआ है, हुकूमत का बंदा है। आपका जो है बैंकर है तो हुकूमत से मिला हुआ है, तो हुकूमत का बंदा है। आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट है तो हुकूमत से मिला हुआ, तो हुकूमत का बंदा है। तो ये इस किस्म की सारी चीज़ें, फिर बड़ी बड़ी जो आप ये देखें पावर जनरेशन से लेके और आपकी जो है वो शुगर मिल्स के हवाले से, ये सारी आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो क्लियर कट नहीं है। मिसाल तौर पे शुगर मिल की पॉलिसी आपकी ये है कि जी ये फलानी फलानी शुगर मिल है, इसके अलावा वहाँ कोई शुगर मिल नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? इसलिए नहीं लग सकती कि अगर वो देंगे तो फिर उसमें से तो वो सारी जूस निकल जाता है ना, शुगर कंपटीशन बढ़ जाएगा, शुगर मिल का जूस निकल जाता है, यानी शुगर मिल को फिर कंपटीशन मिलेगा, फिर हमें एक्चुअली पता चलेगा कि वाकई क्या कॉस्ट आ रही है। क्योंकि ये देखें ना, अगर हम गुड़ निकाल रहे हैं तो गुड़ में तो हमें फ़ायदा हो रहा है, गुड़ में तो हमें इस वक्त भी फ़ायदा हो रहा है, जो मार्केट में रेट है उस हिसाब से अगर आप गुड़ निकालते हैं तो गुड़ तकरीबन 13-14 किलो एक मन से गुड़ निकलता है, तो वो जब आप सेल करने जाते हैं तो 60 रुपये किलो, तो उस हिसाब से तो हमें, लेकिन हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। दूसरी बात ये कि केन एक्ट के मुताबिक गुड़ निकालना कानूनी तौर पे गलत है, ठीक है ना? कैसे कैसे कानून मुल्क में? अभी कानून है, बताइए यार, ये मुल्क है क्या है? आप अपनी चीनी नहीं बना सकते, आप अपनी छोटा कोई प्लांट नहीं। अंग्रेज बोलता था तुम नमक नहीं बनाओगे नहीं तो कोड़े मारूंगा, तो गांधी ने वो मार्च किया था समुन्दर पे कि हम बना के देखते हैं, बड़ा मारा था अंग्रेज ने, मगर अमरीका में वो दिखाया गया वीडियो, तो वहां पे फिर फटना शुरू हो गया, सिंपैथी आ गई। तो हम भी गुड़ बनाते हैं, हमें आके मारे पुलिस वाला, उसकी बात यही है कि आपने सफोकेट किया हुआ है चीज़ों को, और सफोकेशन में जो है वो दूसरे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। वो मैं ये कह रहा हूँ ना कि जमहूरियत का ऐसी जमहूरियत का फायदा क्या है? 65 लोग 65 मिल, यू नो हु इज़ हु, इज़ हु, एवरीबॉडी नोज़। हम 10 दफ़ा आपको 100 दफ़ा बता दें लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है, लिहाजा हम लोग कोई खुश नहीं होते। अब जब तक ये इस डेमोक्रेसी को तो एलीट डेमोक्रेसी कहा जाए तो सही है, अगर हम कोई बात कहते हैं इसका आपके खिलाफ, इस पे मज़ीद बात होती रहेगी, न्यूज़ का वक्त हो गया। ये इलीट डेमोक्रेसी दुनिया में और जगह भी देखी है, ब्राज़ील में देखा, दो इलीट आगे पीछे होते रहते थे, एक वहाँ एक बहुत ही गरीब सा आदमी खड़ा हो गया जिसके बीवी बच्चे बगैर इलाज के मर चुके थे, डिसल्वा, उसने पार्टी बना दी वर्कर्स पार्टी, 2 दफ़ा बुरी तरह हारा, तीसरी जगह लैंडस्लाइड ले आया, तो सबको कार्ड दे दिया जो बेनज़ीर कार्ड नहीं है, और गुर्बत उस जमाने 80% थी, 8 साल में उसने उसको 20% पे ले आया, फिर उसको कैंसर हो गया, वो हट गया पॉलिटिक्स से। ऐसा यहाँ भी हो सकता है और होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।